हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी यूनिवर्स। स्टैटिक जीके के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम जानेंगे पंजाब और हरियाणा के जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, जो भी वहाँ के लोक नृत्य, गायन, त्यौहार, जितने भी राष्ट्रीय प्रतीक हैं, राज्य हैं और जो फैक्ट हो सकेंगे उनके बारे में जानेंगे। दोस्तों आपका ये वीडियो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं, चाहे वो ग्रुप डी की हो, रेलवे की एग्जाम हो या दिल्ली पुलिस का कोई भी एग्जाम हो, हेड कांस्टेबल हो, कांस्टेबल हो या फिर SI हो, SSC के कोई भी एग्जाम हो, CHSL, MTS, CGL, कोई भी एग्जाम हो, जहाँ पर भी फैक्ट वाइज क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके हर एक एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों, ये 1-1.5-2 घंटे का वीडियो नहीं है। देखिए एग्जाम के लिए स्पेसिफिक यही रहता है कि आपको फैक्ट याद करने रहते हैं, तो दोस्तों ये शॉर्ट वीडियो आपके सभी फैक्ट को लेकर आता है, जहां से आपकी, चाहे वो हर राज्य के लोक नृत्य के बारे में हो या वहां की यूनेस्को साइट के बारे में हो या वहां पर जितने भी त्यौहार हैं उनके बारे में बात हो या वहां पर राष्ट्रीय उद्यान है उनके बारे में बात हो या राज्य के प्रतीक हो, इन सभी को एक ही वीडियो में मैंने कंबाइंड करके आपको दिया है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल स्टडी यूनिवर्स को सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। दोस्तों आप पहले तो आपको बता दें लोकेशन कि पंजाब की लोकेशन कहाँ है भारत की मैप में, तो अच्छे से आप देख लें पंजाब की लोकेशन है भारत की मैप में। आप देख पा रहे होंगे पंजाब को भारत के मैप में। चलिए बात करते हैं राजधानी की, तो पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। यहाँ की मुख्य भाषा पंजाबी और हिंदी है। पंजाब की स्थापना 1 नवंबर 1966 में की गई थी। जिले 23 हैं और उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में है। सबसे पहले दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से पूछा जाता है कि उच्च न्यायालय कहाँ पर है। कई लोगों को पता नहीं रहता है कि यहाँ का उच्च न्यायालय कहाँ होगा या किसी भी राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ होगा, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पंजाब का जो उच्च न्यायालय वह चंडीगढ़ में है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ की विधानसभा सीटें कितनी हैं, तो 117 विधानसभा की सीटें हैं। अब ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लोकसभा और राज्यसभा सीटें। दोस्तों अगर आप SSC का कोई भी एग्जाम देंगे तो वहां पर लोकसभा सीट और राज्यसभा सीट से रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन तो जरूर पूछा जाता है, लेकिन पिछले जो NTPC के पेपर हुए हैं वहां पर भी रोज राज्यसभा और लोकसभा के बारे में चर्चा की गई, वहां के क्वेश्चंस की चर्चा की गई। तो यहां भी हम ग्रुप डी में जो एग्जाम होगा उसमें भी हम ये याद करके जा सकते हैं। दोस्तों लोकसभा की पंजाब में 13 है और राज्यसभा की 7 सीटें हैं। वहीं बात करें राजकीय पशु की, तो कृष्ण सर यहाँ का राजकीय पशु है। पक्षी की बात करें तो नीलकंठ है, वृक्ष शीशम है और राज्य दिवस 1 नवंबर है। दोस्तों जैसा कि आपको बता दें RRB अगर चंडीगढ़ के बारे में क्वेश्चन आता है तो वहां से राज्य पशु एंड राजकीय दिवस या राजकीय पक्षी, राजकीय वृक्ष के बारे में पूछा जा सकता है, क्योंकि NTPC का मैंने भी दिया था, वहां पर मुझसे मध्य प्रदेश के बारे में पूछा गया था। तो ये आपको इम्पोर्टेंट है, वहां से याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ की सीमाएं, तो सबसे पहले बता दें उत्तर में जम्मू से इसकी सीमा लगती है, उत्तर पूर्व में हिमाचल प्रदेश से सीमा लगती है, दक्षिण में हरियाणा और राजस्थान से और पश्चिम में पाकिस्तान से सीमा लगती है। बात करें अंतर्राष्ट्रीय सीमा की, तो पंजाब की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सिर्फ पाकिस्तान से लगती है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है। दोस्तों जैसे ही आप मैप देखना शुरू कर देंगे तो आपके आधे से ज्यादा क्वेश्चन तो वहीं सॉल्व हो जाते हैं मैप देखने से। तो मैं आपको सजेशन करता हूँ कि दोस्तों मैप जरूर देखें और सजेस्ट भी करता हूँ कि मैप जरूर देखना शुरू करें। आप रोज मैप में देखना शुरू करें, धीरे धीरे करके एक एक राज्य के बारे में डिटेल वाइज देखना शुरू करें। बात करते हैं पंजाब की पर्वत की, तो दोस्तों पीर पंजाल, धौराधर और शिवालिक श्रेणियां यहाँ के प्रमुख पर्वत हैं। नदियों में सिंधु, रावी, ब्यास, झेलम और सतलज पंजाब की प्रमुख नदियां हैं। दोस्तों यहाँ की प्रमुख नदियां हैं, आप ये ना समझ लेना कि यहाँ से उद्गम हुआ है नदियों का, नहीं, ना ओरिजन है, ये सिर्फ इस राज्य से बहकर निकलती हैं। तो ये एक डिफरेंट क्वेश्चन है, ये याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है। बात करें दोस्तों यहाँ की मुख्य फसल की, तो गेहूं और चावल यहाँ की मुख्य फसल है। मुख्य पर्व और त्योहार की बात करें तो बैसाखी और गुरु पर्व, ये दो पर्व मनाए जाते हैं मुख्यतः पंजाब में। बात करें पर्यटन स्थल की, तो स्वर्ण मंदिर, जलियावाला बाग, गुरियाना मंदिर और आनंदपुर साहब, ये प्रमुख पर्यटन स्थल हैं पंजाब के। वहीं बात करें वन्य प्राणी विहार की, तो अबोहर, बीर भुनरहेरी, बीर मोती बाग, हरि के झील, बीर गुरदयाल और वीर दोसांझ, ये प्रमुख वन्य प्राणी विहार हैं या वन्य अभयारण्य हैं पंजाब में। यहाँ के प्रथम राज्यपाल चंदू लाल माधवलाल त्रिवेदी रहे हैं। मुख्यमंत्री प्रथम गोपी चंद भार्गव थे और यहाँ की जो जनजातियाँ हैं वह गद्दी, स्वांगला, भोंट और बोध, ये प्रमुख जनजातियाँ हैं। दोस्तों SSC का कोई भी एग्जाम हो वहाँ से जनजातियों के बारे में, त्योहार के बारे में क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। यहाँ की प्रमुख जनजातियाँ गद्दी, स्वांगला, भोट और बोध हैं। वहीं बात करें शोध की और अनुसंधान केंद्र की, तो केंद्रीय
वैज्ञानिक उपकरण संगठन चंडीगढ़ में है, जीवाणु प्रौद्योगिकी संगठन ये भी चंडीगढ़ में है। तो दोस्तों ये दो संस्थान हो गए हैं चंडीगढ़ में, तो ये पंजाब का ही भाग है। बात करें प्रमुख झीलों की तो सुखना, हरिके और तारण तरण प्रमुख झीलें हैं। रणजीत सागर जो रावी नदी पर है यह बांध पंजाब में है, तो ये भी आपको याद रखना है। बात करते हैं लोक नृत्य की तो भांगड़ा, गिद्दा, दफ, धामन, नकुला ये दोस्तों लोक नृत्य है पंजाब का। अभी आप सोच रहे होंगे इतने फैक्ट कैसे याद होंगे, तो दोस्तों आपको कोई भी चीज़ याद नहीं करना, ये वीडियो आप 2 से 3 बार देख लें और एग्जाम के जाने से मैं जितने भी वीडियो बना रहा हूँ उसमें 2-2 राज्य लूंगा, तो दो दो आपको कम से कम 2 घंटे में पूरे वीडियो देख लेंगे 28 के 28 राज्य और बाकी जितने भी यूटी हैं 8 की 8 यूटी के बारे में। तो दोस्तों आपको 3-4 बार ये वीडियो देखना है, अपने आप चीजें रट जाएंगी। बात करते हैं यूनेस्को साइट की तो चंडीगढ़ 2016 में यूनेस्को साइट में ऐड किया था और वास्तुकला के क्षेत्र में चंडीगढ़ को यूनेस्को में शामिल किया गया था। तो एकमात्र यूनेस्को साइट चंडीगढ़ है जो 2016 में यूनेस्को साइट बनी थी। बात करते हैं कुछ फैक्ट की तो रेलवे कोच फैक्ट्री 1986 में कपूरथला में खोली गई थी। रेल के डिब्बे यहाँ बनाए जाते हैं। दोस्तों आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन कि रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पर है, तो ये हो जाएगी कपूरथला पंजाब में। फर्स्ट क्वेश्चन इंपोर्टेंट। लुधियाना में उत्तर भारत का पहला ड्राइविंग सिनेमा ओपन किया गया, ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। डीजल इंजन आधुनिकीकरण कारखाना 1981 में पटियाला में खोला गया, ये भी एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। पंजाब की मार्शल डांस का रूप है बागा, ये भी आपको याद रखना है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस खेल संस्थान पटियाला में स्थित है। बारी दुआब रावी और ब्यास के बीच है। बिस्ट दुआब ब्यास और सतलज नदी के बीच है। दोस्तों अभी आप कैसे याद करेंगे, जैसे बी से ब्यास हो जाएगा और एस्ट से हो जाएगा क्या सतलज, वहीं अगर बात करें यहाँ पर तो बा से हो जाएगा क्या रावी और रा से हो जाएगा रावी और बा से हो जाएगा ब्यास, तो ये दोनों भी आपको याद रखने हैं। मालवा का मैदान स्थित है कहाँ पर, पंजाब में। दोस्तों कंफ्यूज मत हो जाना, यहाँ पर मालवा का पठार नहीं मालवा का मैदान पूछा गया है जो पंजाब में है और मालवा का पठार मध्य प्रदेश में है। मलेरकोटला हाल ही में 23वां जिला बना है पंजाब का, तो ये भी एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। पठानकोट में वायुसेना का हवाई अड्डा है। भटिंडा में थल सेना का अड्डा है और छावनी है। ऊनी वस्त्र और साइकिल उद्योग के और टू व्हीलर की जो ऑफिस हैं या कारखाने हैं वह लुधियाना और जलंधर में है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं हम हरियाणा की, तो मैप में सबसे पहले आपको लोकेशन बता दें हरियाणा की, तो भारत के मैप में ये है हरियाणा की लोकेशन, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और ये छोटी सी जगह दिख रही होगी चिन्ह, ये है दिल्ली यूटी और ये है राजस्थान। तो इन सभी राज्यों से हरियाणा की सीमा साझा करती है। एक बार फिर आपको मैं रफ करके बता दूं फिर से, आप दोस्तों मैप देखना शुरू करें जैसे मैंने आपको पहले बताया। अभी आप क्या करें कि आपके पास एटलस होगा, अगर नहीं है तो आप ले लें, सबसे पहले आप हरियाणा खोलें और हरियाणा में जो गहराई से हरियाणा का बताया गया उसके बारे में देखें और वहां पर पढ़ें कहां पर कौन सा जिला है, कहां पर गुड़गांव है, कहां पर सोनीपत है, कहां पर पानीपत है, कहां पर हिसार है, कहां पर झज्जर है, ये भी देखना शुरू करें, क्योंकि जब आप लोकेशन देखते हैं तो उसके साथ जो और भी फैक्ट होते हैं वो भी आपको याद हो जाते हैं। तो मैप देखना बहुत जरूरी है। बहुत सारा स्ट्रेटजी की तो हमारा सिर्फ मैप देखने से ही खत्म हो जाता है, क्योंकि हमें मैप देखने के साथ हम एक चीज याद हो जाती है, वो लोकेशन याद हो जाती है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये हरियाणा है, हरियाणा पंजाब से सीमा साझा करता है, यहाँ पर राजस्थान हो गया, ये हो गया उत्तर प्रदेश, ये हो गया छोटा सा जो चिन्ह दिख रही है ये हो जाएगी दिल्ली, ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश और बात करें यहीं पर है चंडीगढ़, तो दोस्तों चंडीगढ़ से भी सीमा साझा करता है हरियाणा। तो ये कुछ स्टेट हो गए जहाँ से अपनी सीमा साझा करता है हरियाणा। तो सबसे पहले बात करते हैं राजधानी की, तो चंडीगढ़ यहाँ की राजधानी है। वहीं बात करें लिंगानुपात की तो 879 लिंगानुपात है। मुख्य भाषा हिंदी और हरियाणवी है। बात करें उच्च न्यायालय की तो चंडीगढ़ यहाँ का हरियाणा का भी उच्च न्यायालय है, तो हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ स्वयं एक यूटी है, तो खुद यानी तीनों का उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में ही है। 22 जिले हैं कुल। बात करते हैं यहाँ की मुख्य फसल की तो चावल, बाजरा, जौ, चना मुख्य फसल है। राजकीय पशु नीलगाय, राजकीय फूल कमल, राजकीय पक्षी काला तीतर और राज्य दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है, तो ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हो जाते हैं हरियाणा के बारे में।
नेक्स्ट बात करते हैं हरियाणा की सीमाओं की, तो बात बता दें आपको, उत्तर में हिमाचल प्रदेश और पंजाब से, दक्षिण और पश्चिम में राजस्थान से, पूर्व में उत्तर प्रदेश से, और यूटी जो दोस्तों है वो दिल्ली और चंडीगढ़ हरियाणा के साथ अपनी सीमा साझा करती हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि कौन कौन सी यूटी हरियाणा से लगती हैं। हम चंडीगढ़ को काफ़ी टाइम भूल सकते हैं क्योंकि चंडीगढ़ एक तो राजधानी है, पंजाब की भी राजधानी है, लेकिन चंडीगढ़ अपने आप में एक यूटी है, ये भी आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। बात करते हैं यहाँ की विधानसभा सदस्यों की संख्या की, तो 90 यहाँ की विधानसभा सदस्यों की संख्या है, लोकसभा की 10 और राज्यसभा की 5 सीटें हैं हरियाणा में, तो ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों इसके अलावा आपको कुत्ते की भौंकने की आवाज़ आ रही होगी, तो पड़ोस में दोस्तों कुत्ता रहता है जो भौंक रहा है, मैं क्या कर सकता हूँ अब इसमें, आज आप एडजस्ट कर लीजिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। प्रथम मुख्यमंत्री की बात करें तो भगवत लाल शर्मा प्रथम मुख्यमंत्री हुए, प्रथम राज्यपाल धर्मवीर हुए। नदियां यहाँ पर यमुना, घग्गर और मस्कंडा है। त्यौहार लोहड़ी और टिक्का यहाँ का प्रमुख त्यौहार है। वन्य प्राणी विहार की बात करें तो सतवीर, सुल्तानपुर और कलेसर ये प्रमुख वन्य प्राणी अभ्यारण्य है। ये यहाँ से दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से तो क्वेश्चन पूछा ही जाता है हर एग्जाम में कि किस राज्य में या किस कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य या फिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो ये क्वेश्चन तो आपसे पूछा जाता है। और सबसे ज़्यादा ऐसे पूछा जाता है कि ये निम्न में से कौन सा इस राज्य में है या निम्न में से कौन सा इस राज्य में है। बात करते हैं अनुसंधान केंद्र की, तो नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल में है। वहीं बात करें लोक नृत्य की, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट लोक नृत्य यहाँ पर घूमर, सांग, खोरी, रासलीला और सापेला ये प्रमुख हरियाणा के लोक नृत्य हैं। 1 नवंबर 1966 को राज्य बनकर स्थापना की गई थी इसकी। यहाँ पर बात करें तो झीलों की, तो दमदमा और सोहना प्रमुख झीलें हैं हरियाणा की। देश का पहला ग्रीन एटीएम गुरुग्राम में खोला गया। पहला मतदाता पार्क का उद्घाटन गुरुग्राम में किया गया। रॉक गार्डन चंडीगढ़ में है। भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार में खोला गया है। केवल महिलाओं के द्वारा लूर नृत्य होता है, तो ये भी आपको याद रखना है। और ये या फिर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लूर नृत्य जो महिलाओं के द्वारा होता है किस राज्य में होता है, तो दोस्तों इसका आंसर होगा हरियाणा। नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट झज्जर में है। सोलर अलायंस का मुख्यालय गुरुग्राम में जो कि हरियाणा में ही है। मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र मानेसर में है। हरियाणा में भिवानी का मैदान है। रजिया सुल्तान की मृत्यु कैथल में हुई थी, तो ये भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने बात की पंजाब और हरियाणा के इम्पोर्टेंट फैक्ट, वहाँ के राष्ट्रीय उद्यान, वहाँ के लोक नृत्य और जितने भी प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में उसके बारे में। दोस्तों मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इससे आगे आपके ग्रुप डी या एसएससी के किसी भी एग्जाम में इससे आगे तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्योंकि आजकल स्टैटिक जीके बहुत सारा पूछा जाता है जिनमें सिर्फ यही चीज़ें पूछी जाती हैं। मुख्य मैं भी एग्जाम देता हूँ, मुझे भी पता है यही यही चीज़ें सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो दोस्तों आज आपने देखा पंजाब और हरियाणा के बारे में। नेक्स्ट वीडियो हम फिर आपके लिए लेकर आएंगे। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसके अलावा हमारी करंट अफेयर की सीरीज आती है, वो भी देखना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, हैव अ नाइस डे।